उसके धान की यहां का डीएम प्रशासन ये सुन ले कि उनकी खरीद की गारंटी आपकी है, यहां की सरकारों की है, उसकी खरीद की गारंटी दे। ये कहते हैं कि हमने माल कहीं पे भी किसान बेच ले, किसान के नहीं खोल रहे आपने कि कहीं पे भी किसान बेच ले। जो बड़ा व्यापारी जो कंपनी है वो बेचती है हजारों ट्रक धान हर रोज इन क्षेत्रों से और दूसरी जगह एमएसपी पे बिकने के लिए जाता है। जो बड़े मिलर्स हैं वहां पे बिकने के लिए जाता है। तो सरकार और अधिकारी अगला जो आंदोलन कोई भी होगा डीएम के घर पे बहुत इनके मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं जी कहीं बेच लो, हमको कहीं का स्थान मिल गया, डीएम एसडीएम उनका स्थान मिल गया, वहां पे इसकी खरीद होगी, वहां पे लगाओ इसको। पुराली जलाने पे बड़ा बबला चल रहा है कि पुराली नहीं जलेगी, वो टेक्नोलॉजी आज तक इजाद क्यों ना हुई कि बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होता है वो बता देते, हमारा किसान तो उसको पैदा कर लगता। गलती किसान की नहीं है, गलती देश के सिस्टम की है कि इस तरह का चावल पैदा कहां होगा वो हमको नहीं बताया गया। ये बगैर पुराली के चावल पैदा हो सकता है वो हमको टेक्नोलॉजी बता दो, बगैर पुराली का चावल पैदा कर लेंगे। तो भाई मेहरबानी करके दिल्ली जो कह रहा है उसके अनसुना करो उसको, कि दिल्ली ने कानून बना दिया और आपने उसको मान लिया। बहुत कानून बना रखे हैं, ये पुराली कहां जाएगी? जो इस पुराली को रोकेगा वो विभाग इस पुराली को लेकर चला जाएगा। इनको तंग ना करें जो हमारे जो शहीद हैं